पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला 9 बजे। 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बिहार सीट बंटवारे पर JDU BJP के बीच 4 घंटे तक चली बैठक, अभी भी नहीं बनी बात, कल फिर से चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पटना में BJP और JDU नेताओं के बीच 4 घंटे तक चली बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों पार्टियों ने बातचीत को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है, कल फिर नए सिरे से बात होगी। महागठबंधन ने तेजस्वी का नेतृत्व कबूला, सीट बंटवारे का ऐलान। तमाम गतिरोध के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन अस्तित्व में आ गया है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के कंधों पर दिया गया, कांग्रेस ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। पटना के एक बड़े होटल में महागठबंधन की ताजा प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने इस पर मुहर लगा दी है। नीतीश ने पंचायती राज में 20% का दिया आरक्षण, अति पिछड़ा आयोग का गठन करने वाला बिहार पहला राज्य। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में JDU के नेता लगे हुए हैं। JDU के नेता चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए काम किया है। 2005 में सत्ता संभालने के साथ ही CM नीतीश कुमार ने अति पिछड़े पर ध्यान दिया है और सम्मान दिलाने का काम किया है। महागठबंधन में महाबखेड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा, मेरे पीठ में तेजस्वी ने खंजर मार दिया। पटना में आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ऐसा वायका हो गया जो देश में इसके पहले कभी नहीं हुआ। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर मार दिया है, उनके साथ गद्दारी की गई है, इसलिए वे महागठबंधन छोड़कर जा रहे हैं। बिहार SDPO पर फायरिंग, डबल मर्डर केस में गए थे छापेमारी करने। बिहार के बांका में झारखंड पुलिस पर हमला हुआ है, इस दौरान SDPO पर लोगों ने फायरिंग कर दी है। इस घटना में वह बाल बाल बच गए हैं। यह घटना शंभुगंज थाना क्षेत्र की है। मुंगेर में IPL सट्टेबाजी गैंग का सरगना गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में IPL में सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंगरोरा के कैलाश उर्फ कालिया को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से एप्पल कंपनी का लैपटॉप, 6.5 लाख रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। IPL में सट्टेबाजी के हिसाब किताब से जुड़े ब्यौरा भी लैपटॉप में पाया गया है। कालिया के नेटवर्क में करीब 50,000 रुपए के ऊपर का सट्टा लगाया हुआ था। सूचना मिलेगा, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। भागलपुर, अभी 10 दिन और एक्टिव रहेगा मानसून, होगी झमाझम बारिश। 4 महीने तक एक्टिव रहने के बाद अब देश के कई इलाके से मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन लौटते मानसून के बाद का जमावड़ा पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल, संथाल परगना व पश्चिमी बंगाल व नॉर्थ ईस्ट भारत में लगा हुआ है।